हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कॉडल फिन्स ऑफ फिशेस। तो कॉडल फिन्स में आप तीन तरीके के फिन्स देखते हो। सबसे पहला जो आप देखते हो वो है डाइफी सर्कल फिन, दूसरा आप देखते हो हेट्रो सर्कल और तीसरा आप देखते हो होमो सर्कल। डाइफी सर्कल या इसको हम प्रोटो सर्कल भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप के जो फिन्स देखते हो आप इसको कहते हैं डाइफी सर्कल और प्रोटो सर्कल फिन्स। ये प्रोटो सर्कल और डाइफी सर्कल फिन्स आपको इस तरीके से, जैसे ये आइसो सर्कल बना हुआ है उसी तरीके से आपको स्ट्रेट जो फिन है वो फिन फॉर्म स्ट्रेट दिखाई पड़ेगा और जो वर्टिब्रल कॉलम है या उसका नोटोकॉर्ड है वो एंड टिप तक वहां जाते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस टाइप के जो फॉर्म्स हैं वो आपको इसमें डीप सी फिशेस में दिखाई पड़ते हैं, साथ ही इसमें प्रिमिटिव शार्क्स में दिखाई पड़ते हैं और काइमेरा वगैरह में जिसका एग्जांपल है डीप सी का उसमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हेट्रो सर्कल। इसमें एक और मॉडिफिकेशन है कि डाइफी सर्कल में आपको फिन्स जो है वो दो तरीके से इन द फॉर्म की, जैसे कि ये सिंगल एक फॉर्म था कि दोनों ही लोब्स को स्ट्रेट दिखाई पड़ रहे हैं, बट समटाइम्स इसमें आपको प्रोटो सर्कल में या डाइफी सर्कल में इस तरीके से लोब्स दिखाई पड़ते हैं। ये एक एग्जांपल ये है जिसको आप मॉडिफाइड डाइफी सर्कल कह रहे हैं, जिसमें आपको ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब इलांगेट फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं एपिकॉर्डल और नीचे हाइपोकॉर्डल। लेकिन क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है तो एक और लोब फॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसको आप कह रहे हैं मीडियल लोब। तो इस तरीके से यहां पर ये एग्जाम्पल किसका है, लैटिमेरिया का, जो कि फॉर्म है इसका डाइफी सर्कल का ही, लेकिन ये मॉडिफाइड डाइफी सर्कल। नेक्स्ट हम आते हैं हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल में आपको जो सिमेट्री है वो कहीं नहीं दिखाई पड़ती, दोनों ही लोब्स अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं। तो ऊपर वाला लोब यहाँ पे इलांगेट हो गया, उसको हम डॉर्सल फिन लोब कह रहे हैं। नीचे वाला इलांगेट नहीं है, वो एज इट इज वैसे ही है। ये जो है वो एसिमेट्री फॉर्म करता है। इस वक्त आप यहाँ वर्टिब्रल एक्सिस को देख रहे हैं, एंड तक जा रही है, यहाँ पर ये वर्टिब्रल एक्सिस फॉर्म हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है डॉर्सल फिन लोब के साथ एक्सटेंड हो रहा है। ये एग्जाम्पल आपको पॉलीडोन और एसिपेंसर, पॉलीडोन और एसिपेंसर जो कि मॉडर्न शार्क्स है, इसमें दिखाई पड़ता है। फिर इसी का फॉर्म जो है हाइपो सर्कल। इसमें जो फर्स्ट हाइपो सर्कल देखा तो उसमें आपने डॉर्सल फिन लोब को इलांगेट फॉर्म में देखा है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं हाइपो सर्कल फॉर्म, इस हाइपो सर्कल फॉर्म में आप देखेंगे कि ये वेंट्रल जो फिन लोब है वो इलांगेट हो रहा है और जो वर्टिब्रल एक्सिस था वो एज इट इज ना होकर के यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, स्टम्पी हो गया, ये वेस्टिजियल वर्क ऑर्गन के तरीके से है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे साइपस्लूरस फिश में, साइपस्लूरस फिश में आपको हाइपो सर्कल फॉर्म दिखाई पड़ता है जो कि है हेट्रो सर्कल का ही फॉर्म। नेक्स्ट हम आते हैं फिर यहाँ पर होमो सर्कल। होमो सर्कल जिसमें कि दोनों ही लोब्स बराबर सेम हो, मतलब कि जैसे यहाँ पे एसिमेट्री थी उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप उसको देख रहे हैं, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, तो दोनों लोब्स आपके डॉर्सल लोब और वेंट्रल लोब सेम साइज के हैं, यहाँ पर भी सेम साइज के हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि यूरोस्टाइल है, मतलब कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट वाला पार्ट है ये यूरोस्टाइल ये प्रेजेंट है और दोनों लोब्स अपने ही एक जैसे साइज को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसमें है, सालमन में है और फिर यहाँ पर टूना में आप देख रहे हैं, तो ये दोनों लोग इलांगेट हो गए हैं, तो दोनों एक ही जैसे साइज के इलांगेशन है इसमें। ये एग्जाम्पल आपका टूना में होमो सर्कल टाइप्स में आप देखते हो, जो कि बाहर से तो आपको सिमेट्रिकल फॉर्म दिखाई पड़ता है लेकिन इंटरनली ये सिमेट्री नहीं है। इंटरनली एग्जैक्टली जो है यहाँ पे वेंट्रल लोब ही यहाँ पे दोनों तरीके के लोब्स को फॉर्म करता है, तो इसमें इंटरनली इसलिए कहा जाता है कि ये सिमेट्री नहीं शो करता, जबकि एक्सटर्नली तो आपको ये शो कर रहा है सिमेट्री, इसलिए इसको होमो सर्कल एक जैसा ही फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको होमो सर्कल कह रहे हैं। इसी में और एग्जाम्पल्स में हम आइसो सर्कल, जिसको हमने डाइफी सर्कल में भी देखा था क्योंकि डीप सी फिशेस में पाया जाता है, और यहाँ होमो सर्कल में भी इसको बताया गया, जिसमें कि दोनों ही लोग एक जैसे ही फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, वर्टिब्रल एक्सिस के साथ ही जा रहे हैं एंड तक। फिर इसमें आपको जिप्रो सर्कल में यहाँ पर दिखाई पड़ा, जिप्रो सर्कल में आपको ये छोटा हो गया, स्टम्पी हो गया और बाहर की तरफ फिन रेज इस तरीके से फॉर्म होती दिखाई पड़ रही, जिसको आप फिराकस में देखते हैं। फिर इसी में जो होमो सर्कल में भी कुछ एब्रिवेटेड हो जाती है फिशेस, जैसे कि इस एब्रिवेटेड फिशेस में जिसमें कि लेपिडोस्टियस है, एमिया है और पॉलिप्टेरस है, इसमें आप देख रहे हैं कि फिर जो आपको वर्टिब्रल एक्सिस है उसके साथ भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में कुछ आपको स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्पाइन्स फॉर्म होते हुए दिखाई,
दिखाई पड़ रहा है। लोब तो वैसा ही है, कुछ इसमें कुछ भी डिसिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, लेकिन ये अपवर्ड टर्न हो गया है। तो न्यूरोस्टाइल जो है अपवर्ड अपटर्न हो गया है, इसके अपवर्ड और अपटर्न नहीं हुआ है। तो ये वाला जो फॉर्म था ये आपको दिख रहा है, इसमें एपिकॉर्डल लोब है और हाइपोकॉर्डल लोब है, लेकिन जो न्यूरोस्टाइल वाला पार्ट था वर्टिब्रल कॉलम का वो अपवर्ड अपटर्न हो गया है, जबकि आपको इस वाले फॉर्म में दिख रहा है जो कि पॉलिप्टेरस है, इस पॉलिप्टेरस फॉर्म में वो कहीं भी टर्न नहीं हुआ है, नॉर्मली ही जो आपका टिप एंड तक यहाँ पर ये जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस का। तो ये इस तरीके से कॉडल फिन्स जो है वो फिशेज में पाए जाते हैं, डाइफिसर्कल, होमोसर्कल और हेट्रोसर्कल, अलग अलग फिशेज में आपको प्रिमिटिव शार्क्स में, डीप सी फिशेज में ये आपको सबसे पहला फॉर्म दिखाई पड़ता है डाइफिसर्कल का, फिर आप आते हैं हेट्रोसर्कल में जिसमें कि आपको मॉडर्न शार्क्स में दिखाई पड़ता है, और बेसिकली जो बैक्टीरियोस फिशेज में आते हो तो आपको होमोसर्कल दिखाई पड़ता है।